गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स एज यू नो वी रिसेंटली कंडक्टेड अवर फुल फाउंडेशन वन ऑफ अकाउंट्स क्लास 11th विच इज अकॉर्डिंग टू जेके बोर्ड पैटर्न. स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर विद यू. एज यू सीन इन द स्क्रीन आई हैव शेयर टू पेपर्स. वन इज अ क्वेश्चन पेपर एंड सेकेंड वन इज अ आंसर शीट ऑफ ए स्टूडेंट. स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया है जो कि हमारा रिसेंटली फुल फाउंडेशन वन हुआ है अकाउंट्स का, और बच्चे का आंसर शीट शेयर की है एक बच्चे की जिसने बड़े अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया. अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं और कहाँ कहाँ पे माइनर मिस्टेक्स करते हैं. तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1A देखते हैं हम. पर हमेशा जब भी पेपर शुरू करना है सबसे पहले हमारा वर्क होना चाहिए जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करना. तो क्लास 11th का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का. टाइम जो अलॉट किया जाएगा हमें 3 आवर्स किया जाएगा और मार्क्स जो हैं मैक्सिमम मार्क्स वो 80 हैं. बच्चे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर होगा टोटल 23 क्वेश्चंस का होगा. ये इसमें सभी क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी होंगे. फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन जो होंगे 1-1 मार्क्स के होंगे. 9 to 12 क्वेश्चन जो होंगे 3-3 मार्क्स के होंगे. 13 to 17 तक जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो 4-4 मार्क्स के होंगे. 18 to 21 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे बच्चे वो 6-6 मार्क्स के होंगे. उसमें इंटरनल चॉइस भी होगी आपको. और 22 और 23 क्वेश्चन जो है वो 8-8 मार्क्स का होगा जिसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी. सबसे पहले देखिए जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको शेयर किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स. जैसे इन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव किए मगर कुछ 2 ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने गलत किए हैं. जैसे फर्स्ट का था करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, वो था एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इन्होंने ठीक किया हुआ है. सेकेंड था पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड टू बच्चे जो फर्म्स आंसर था इनका गलत हो गया. थर्ड ट्रायल बैलेंसेज है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ठीक लिखा हुआ इन्होंने. फोर्थ ट्रायल बैलेंस चेक्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ठीक लिखा है इन्होंने. अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक. लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड इज कैपिटल लॉस होता है, इन्होंने ठीक लिखा हुआ कैपिटल लॉस्ड. स्टॉक इन ट्रेड इज करंट एसेट्स होता है, इन्होंने गलत लिखा था. इसका करंट एसेट आंसर है. क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है अगर बाहर दिया होता है तो इन्होंने ठीक लिखा था इसका. एंड लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आपको पता है एसेट्स होते हैं, ये ठीक लिखा था इन्होंने. टोटल 8 में से इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स गलत हैं, 2 मार्क्स इनके कटे हैं. अब देखिए बच्चे सेक्शन बी पे आता हूँ. सेक्शन बी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बोला गया हुआ है, तो इन्होंने बड़े वेल तरीके से अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के में डिफरेंस दिखा हुआ है इन्होंने, और 3 पॉइंट्स को वेल तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने. तो इनको बच्चे 3 मार्क्स मिले हैं इसके. तो आपने भी पेपर को इसी पैटर्न में करना है. देखिए फिर उसके बाद जो टर्म्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. डेटर्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती हैं, इन टर्म्स को डिफाइन करना था. तो इन्होंने लिखा हुआ डेटर्स आर दोज फ्रॉम विच द कंपनी हैड टू गेट मनी, दे आर कॉल दी एसेट्स ऑफ द फॉर द कंपनी, ठीक लिखा है इन्होंने. ड्राइंग जो गुड्स या मनी विड्रॉल करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए वो ड्राइंग होती है, ठीक लिखा है. लाइबिलिटी एक किस्म का बर्डन होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी को फ्यूचर में पे करना होता है, ठीक लिखा हुआ है. कैपिटल जो मनी इन्वेस्ट करता है ओनर बिजनेस को शुरू करने के लिए वो कैपिटल होती है. तो इन्होंने ठीक लिखा है, इनको पूरे मार्क्स मिले इसके. फिर बच्चे 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले गए हुए हैं इन्होंने. एक गोइंग ऑन कंसर्न प्रिंसिपल लिखा हुआ है, एक एक्यूरेट बेस प्रिंसिपल लिखा हुआ है. तो ठीक है इनके एक्यूरेट बेस प्रिंसिपल ठीक वेल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको, इनको इसके 3 मार्क्स मिले हैं. उसके बाद बच्चे 12th क्वेश्चन जो था उसमें बोला गया हुआ है बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट और ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट बताओ. इन्होंने बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट और ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट को 3-3, 4-4 लाइन्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. जैसे कि बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट में लिखा हुआ कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ओनर की आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी सेपरेट होती है, ठीक है. कंपनी अपने नाम पर काम करती है, तो ठीक लिखा है इन्होंने. तो ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट में आपको पता ही है कि हर एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, डेबिट भी करते हैं क्रेडिट भी करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इनको इसके भी फुल मार्क्स मिले हैं. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन था बी सेक्शन का जो कि 13th क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में है ये बच्चे, ये 4 मार्क्स में है बच्चे, ठीक है, 3 नहीं है 4 है इनके. तो देखिए प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर किया है इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मूला बनाया ट्रांजैक्शन एसेट्स
इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इमरान कमेंस बिजनेस विद कैश 12 लाख, इन्होंने कैश के नीचे लिखा 12 लाख और कैपिटल में भी 12 लाख लिखा। ट्रांसैक्शन लिखी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़े आपके, वहाँ से लाइबिलिटी भी बढ़ गई। फिर न्यू इक्वेशन आ गई, परचेज मशीनरी, कैश भी कम हुई, मशीनरी बढ़ गई आपकी, इन्होंने नीचे इसका न्यू इक्वेशन कर दिया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 11,000 फॉर 13,000, तो गुड्स में से स्टॉक में से 11,000 माइनस किया, कैश में 13,000 प्लस किया और 2,000 प्लस कैपिटल में प्लस कर दी, जो प्रॉफिट हो गया। फिर क्रेडिटर्स को अमाउंट पे कर दिया है, कैश में से माइनस हो गया, कैपिटल में से माइनस हो गया। फिर फाइनल इक्वेशन में बेहतर तरीके से बताया कि ये इसका टोटल आया हुआ है, तो इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले होंगे। बच्चे नेक्स्ट देखिए ट्रायल बैलेंस, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी ठीक लिखा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, सेल्स कैपिटल क्रेडिटर्स, एडजस्टेड परचेज, फिक्स लाइबिलिटी, डेटर्स, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, फ्राइट, डिलीवरी बैंक डिस्काउंट, क्लियरिंग चार्जेस, रिटर्न, इन्वर्ट्स, इनको बड़े अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, इसको बताया कि सेल्स क्रेडिट साइड आती है, कैपिटल साइड क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आते हैं, परचेजेस डेबिट साइड आती हैं, फिक्स लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड आती हैं, डेटर्स डेबिट साइड आते हैं, मशीनरी डेबिट साइड आती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, फ्राइट डेबिट साइड आता है, डिलीवरी वैन डेबिट साइड आता है, बैंक यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट है, ठीक है, तो इन्होंने इसको क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ये ओवरड्राफ्ट हो गया होगा, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड आती है, क्लियरिंग चार्जेस डेबिट साइड आते हैं, एक्सपेंस होते हैं, रिटर्न इनवर्ट डेबिट साइड आते हैं, तो टोटल बराबर आ गया, इनको उसके क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल गए। फिर बच्चे रिजर्व्स और प्रोविजन में डिफरेंस था, इनको पता था 4 मार्क्स के, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वेल तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर ये 4 या 5 पॉइंट भी लिखते तब भी इनको पूरे मार्क्स मिल जाते, तो 4 मार्क्स इनको इस क्वेश्चन के मिल गए। क्वेश्चन नंबर 16th में इनको ट्रेडिंग अकाउंट बोला गया हुआ है इमेजिनरी फिगर्स लेके, इनने वेल तरीके से इमेजिनरी फिगर्स ली, कम से कम भी इन्होंने 13-14 आइटम्स लिख दिए यहाँ पे, तो इनको पूरे 4 मार्क्स मिल गए हुए क्योंकि वेल तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के भी इनको 4 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट बच्चे ट्रीटमेंट पूछा गया हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, एक्यूर्ड इनकम का, डेप्रिसिएशन का, बैड डेट्स का, इन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव अपने उसमें एक्सपेंस में ये ऐड हो जाता है, अगर ये प्रॉफिट लॉस का होगा तो अपने एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, अपने एक्सपेंस में प्रॉफिट लॉस में ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आता है। फिर उससे एक्यूर्ड इनकम का ट्रीटमेंट बताया इन्होंने, डेप्रिसिएशन का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट बताया कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है और बैलेंस शीट में अपने रिस्पेक्टिव एसेट में से माइनस हो जाता है एसेट साइड में, तो इसको इनके 3.5 मार्क्स मिले क्योंकि इनको इसको थ्योरी टाइप में एक्सप्लेन करना था, वैसे ये भी ठीक रहेगा, इस तरीके से कर सकते हैं इनको। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चे, जब इनकी सेक्शन सी की टर्न आई, यहाँ पे सी है सेक्शन सी की टर्न आई, 18th क्वेश्चन था, इनको और दिया गया था कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है कि आपने एक लेजर बनानी है भंडारी की, तो इन्होंने कहा भंडारी की लेजर बनाना आसान है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था ये और आसानी से इनको 6 मार्क्स मिल जाते। इन्होंने वेल तरीके से बताया कि जो बैलेंस है वो ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर गुड्स सोल्ड किए हुए हैं तो पैसा आया हुआ है, तो यहाँ लिखा वेल तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया और अपने आंसर को एक्सप्लेन किया। कटिंग इन्होंने की थी, बोर्ड में कटिंग अलाउड नहीं है, कटिंग अवॉइड करनी होती है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कटिंग लेस पेपर होना चाहिए, पेपर बोर्ड में कटिंग ना हो, जैसे इनकी माइनर कटिंग थी, मैंने इस बार मार्क्स नहीं कटे बट मार्क्स कट सकते हैं इसके, कटिंग नहीं करनी है पेपर के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन जो था वो और था बच्चे, या तो आपको ये सेल्स डे बुक बनानी थी या अकाउंटिंग क्वेश्चन करनी थी, तो इन्होंने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में आंसर जल्दी निकल जाता है और चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक होने के, तो इन्होंने वेल तरीके से बताया कि बिजनेस स्टार्ट किया, कैश फिर कैपिटल में ऐड हुआ, फिर गुड्स परचेज फ्रॉम आरिफ उधार खरीदे हैं स्टॉक में और लाइबिलिटी बढ़ गई, फिर गुड्स सोल्ड टू शकील, तो इन्होंने गुड्स सोल्ड किए हुए, डेटर्स बढ़ गए, ठीक है, स्टॉक में से माइनस कर दिया, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किए हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट तो 4,000 कैश में से गया, बाकी 4,000 रुपीज़ कैपिटल में से माइनस हो गया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, कैश में से माइनस हो गया, कैपिटल में से माइनस, लाइबिलिटी में से माइनस हो गया क्रेडिटर्स में, ठीक है। फिर इन्होंने इनकम कुछ रिसीव की हुई है, कैश में भी बढ़ गई,
और कैपिटल में बढ़ गई, टोटल बराबर कर दिया, इनको उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल गए। फिर बच्चे अगला 20th क्वेश्चन जो था वो स्टेट अलाइनमेंट का मीनिंग लिखना था और मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने थे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना था। इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि 1 अप्रैल 2021 को जो मैंने मशीन खरीदी है वो 25,600 की थी, ठीक है, डेप्रिसिएशन 25% थी। इन्होंने मेथड देखा, रिटर्न ऑन मेथड लगाया, बड़े वेल तरीके से इसको सॉल्व किया और पूरे 6 मार्क्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाई, फिर बैलेंस कैड ऑन किया, बैलेंस कैड ऑन नीचे उतारा, फिर इसी में डेप्रिसिएशन लगी वापस, फिर अमाउंट ब्रॉड ऑन किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाई, फिर अमाउंट ब्रॉड ऑन किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाई, वो लास्ट में हमारा सोल्यूशन इन्होंने दिया हुआ था वैसे हमें कि द टर्न इन वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 years एक्सपेक्टेड टू 8100। तो बच्चे हमें बैलेंस कैड ऑन 8100 ही आया, तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक था इनका, तो इनको कुछ 6 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। फिर देखिए बच्चे 21st क्वेश्चन जो था उसमें मुझे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना था और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन इन्होंने इसको किया, तो इन्होंने ऑल पार्ट को छोड़ने करने की वजह से इन्होंने 21 वाला पार्ट किया हुआ है क्योंकि ये ईजी था। ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज में से परचेज रिटर्न लिखा, बाहर लिखा, कैरेज इनवर्ट लिखा, कस्टम ड्यूटी अच्छी जगह लिखी, बोले यहीं पर आनी थी। कई बच्चों ने कस्टम ड्यूटी को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया था, वो उनके मार्क्स कटे हुए हैं, तो इन्होंने कस्टम ड्यूटी को एक्यूरेट जगह पर लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, टोटल बराबर किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं या ट्रांसफर टू PNL अकाउंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके तो इस तरीके से इनका ग्रॉस लॉस हो गया, नेट ग्रॉस लॉस, इसको भी बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे और लिखेंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट क्योंकि बैलेंस शीट में चला जाता है, तो इस तरीके से इनको क्वेश्चन के इनको पूरे मार्क्स मिल गए। अब सेक्शन ई की बारी आई, सेक्शन ई में बच्चे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज थी या BRS थी, इन्होंने जर्नल एंट्रीज को करना ठीक समझा क्योंकि जर्नल एंट्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक होने के। तो बिजनेस शुरू किया कैश से, कैश टू कैपिटल, गुड्स परचेज फ्रॉम शामन कंपनी, परचेज टू शामन कंपनी, फिर रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय चेक, इससे पहले है कैश सेल्स, तो कैश टू सेल कर दिया, फिर इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी पे की है सैलरी टू कैश, ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग के लिए ठीक की है, बारो किया पूजा से कैश टू पूजा लोन अकाउंट, ठीक लिखा हुआ है, फिर कैश डिपॉजिट टू द बैंक, बैंक टू कैश, इनको पूरे 8 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के क्योंकि वेल तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चे उसमें और था, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन करें, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है तो आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब और वाला क्वेश्चन करना, तो इन्होंने वेल तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही किया, ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, परचेज रिटर्न लिखा, वेजेस एंड सैलरीज लिखी, फिर यहाँ पे सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को फिर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, फिर रेंट रिसीव किया होगा, इंटरेस्ट रिसीव किया होगा वो लिखा इन्होंने, फिर ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट, बैड डेट्स, प्लस माइनस करके इनका आंसर 16,000 जो है नेट प्रॉफिट आ गया। फिर बैलेंस शीट बनाई अच्छे तरीके से, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, टोटल इनका 80,000 आया। फिर इन्होंने वही कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग लेस कर दिया, 65,000, क्रेडिटर्स 12,000 थे, बिल पेबल तो 3,000 था, 8,000 का आंसर आ गया, 80,000 आंसर आ गया बच्चे। इस तरीके से बच्चे पेपर किया, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया था, जिसमें से इनकी माइनर सी मिस्टेक थी, ऑब्जेक्टिव में माइनर कटिंग्स थी, और कई जगहों पर इन्होंने जैसे बैलेंसिंग फिगर लिखना होता है या ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखना होता है वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो आपने पेपर में ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, माइनर गलतियाँ नहीं करनी है, पेपर को वेल तरीके से आपने बोर्ड में प्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।